टॉस के पहले फील्डिंग का फैसला कर दिया है स्वराज्य प्रतिष्ठान ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया डीजे एलोन को। हल्के हाथों से खेला फाइनल के रिजल्ट में एक रन का इशारा देते हुए एक रन के साथ खाता खोल दिया मधुकर खोपटकर ने। गोवर्धन चिकाड़ी की पहली गेंदबाजी की पहली गेंद पर और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक इन पर धनंजय मेंदारकर जिन्होंने अगले मैच में अविजित पारी खेली थी 16 रनों की बहुत ही बढ़िया साथ निभाया था बल्लेबाजी में मधुकर का। अभी इस मैच में देखने लायक बनता है को किस तरह से उनका साथ निभाते हैं गोवर्धन। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन जब तक थ्रो आए तब तक दोनों खिलाड़ी ने अपने कदम वापस खींचे और क्रीज में सुरक्षित भी कोई रन नहीं कोई विकेट नहीं। पहला ओवर प्रगति पर है 6 ओवर का मैच है जिनमें पहला ओवर जो कि पावर प्ले का रहेगा दो खिलाड़ी 30 गज के बाहर उसका किस तरह से फायदा उठाते हैं क्या रणनीति क्या स्ट्रैटेजी बनाकर आए स्वराज्य प्रतिष्ठान के गेंदबाज गोवर्धन। ओहो यहाँ पर जैसे ही देखा और पिच गेंद उठाकर खेला लॉन्ग ऑफ के रीजन से सीमा रखे के बाहर षटकार। स्वागत कर दिया है गोवर्धन चिकाटी का तीसरी ही गेंद पर छक्के के साथ आगाज कर दिया है धनंजय मेंदाड़कर ने। फिर एक बार यहां पर मिनी हेलीकॉप्टर निकाला फील्डर फील्डर को चक्का दी गेंद से मार के गोल चार रन। एक कड़ा इम्तिहान धनंजय के बल्ले से आता हुआ जिसका डर था मधुकर खोपटकर का नॉन स्ट्राइक इन पर है फुल टॉस लेकर फिर एक बार डीप के क्षेत्र में मयूर है वहां पर एक रन तो पूरा करता खराब क्षेत्ररक्षण लेकिन दूसरा रन लेने से नहीं रोक पाएंगे मयूर मेंदारकर हल्के से फंबल हुए आउटफील्ड भी खराब हुई थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन पहला ओवर प्रगति पर है। 13 रन खर्च कर चुके 5 गेंदों में पावर प्ले का ओवर जिसमें 5 गेंदों में 13 रन खर्च कर चुके सामने वाली छोर से दौड़ना शुरू कर दिया 10 रन अंपायर को पार करते हुए फिर एक बार और पिच पहले स्लिप में जाती हुई अंपायर का इशारा 1 रन इसी प्रकार से 1 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड डीजी 11 का 14 रन बिना कोई विकेट खोए 14 रन पहले विकेट की साझेदारी में पहले ओवर में 14 रन जोड़े हैं और यहां पर पावर प्ले खत्म होता हुआ 6 ओवर का मैच है ये पावर प्ले पहला समाप्त होता हुआ बढ़िया बल्लेबाजी की है यहां पर धनंजय मेंदाड़कर ने एक छक्के और चौके के साथ 13 रन पर नॉट आउट पारी खेलते हुए गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ फील्ड दूर तक फैलाती हुई 30 गज दायरे के बाहर जब दो खिलाड़ी थे अभी फील्ड दूर तक फैलाती हुई सामने है धनंजय और गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे मयूर मेंदाड़कर जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी और बल्लेबाजी का मदद की अपनी गेंदबाजी से अपनी बल्लेबाजी से टीम स्वराज्य प्रतिष्ठान को। खेल थोड़ा सा रुका हुआ है जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिएगा पावर प्ले का ऐलान हो चुका है यहां पर बैटिंग पावर प्ले का यानी कि 30 गज दायरे के बाहर 3 खिलाड़ी रह सकते हैं। एक खिलाड़ी जो कि एक लॉन्ग ऑफ के रीजन में है दूसरा खिलाड़ी डिप स्क्वायर लेग की तरफ जाता हुआ और एक खिलाड़ी गोवर्धन चिकाड़ी जो कि मिड विकेट की क्षेत्र में तैनात है बाकी सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर जो कि पॉइंट पर है एक कवर पर है और एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है एक मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है और ऑन साइड के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी मौजूद है 30 गज दायरे के अंदर। मयूर मेंदाड़कर अपने बॉलिंग मार पर तैयार है पहले ओवर की समाप्ति पर 14 रन बटोरे है धनंजय के लिए दौड़ना शुरू कर दिया अंपायर को पार करते हुए मयूर ऑनोबॉल का इशारा लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा लॉन्ग ऑफ के रीजन में सीमा रखे के बाहर 6 रनों के लिए डीजे मास्टर। और
जो कि आक्रामक पारी खेलते हुए, विध्वंसक पारी खेलते हुए किसके निष्कर्ष पर पहुंचे टीम को, डीजे वेलन को। पटकी हुई गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन की वेरिएशन था लेकिन समझ नहीं पा सके, अंदरूनी शायद किनारा भी हो सकता था, नाराज थे यहां पर मयूर। एक मौका जरूर मिला है धनंजय को, लेकिन उस मौके का किस तरह से फायदा उठाते, उस मौके के ऊपर किस तरह से चौका मारते हैं देखने लायक बनता है मयूर एक बार फिर धनंजय के लिए। फिर एक बार वही चित्र देखने को मिलता हुआ, विकेट कीपर के ऊपर से जाती हुई डिक्लेयर जोन में गेंद, अंपायर का इशारा आना बाकी, दो रन का इशारा, दो रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन 23 विदाउट लॉस। 7 रन आए थे पहले गेंद पर तोहफे के रूप में डीजे इवन के लिए। मयूर मेंदाड़कर की खराब गेंदबाजी लेकिन बढ़िया कमबैक करते हुए मयूर धनंजय के लिए। ओहो क्या बात है, क्या बात है, डीप मिडल के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर और एक षटकार। से 29 रन पर पहुंची है डीजे 11 की टीम, बहुत ही आक्रामक रूप से बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर एक वही शॉट देखने को मिलता हुआ फाइनल किस रीजन में, फील्डर को चका दी गई सीमा रेखा के बाहर, चौकार। डीजे मास्टर 33 के निजी स्कोर पर पहुंची है डीजे 11 की टीम मयूर। हल्की सी आवाज जरूर आई थी, नाकुश भी है वहां पर, लक्ष्मण मेंदाड़कर यहां तक आवाज आई थी। लगातार दूसरा जीवनदान इस ओवर में, दूसरे ओवर की समाप्ति पर डीजे 11 का स्कोर कार्ड, माफ कीजिएगा 1-2 गो, आखिरी गेंदाने बाकी। आखिरी गेंद आने बाकी, मयूर सामने वाले छोर से बल्ले पर सही तरह से नहीं आई, फील्डर वहां पर ऑनसाइड के रीजन में, जब तक थ्रो आए तब तक एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा। बढ़िया कमबैक किया है यहां पर मयूर ने, लेकिन अंतिम समय तक स्कोर कार्ड को नहीं रोक रहे डीजे 11 को, एक रन के साथ टीम का स्कोर कार्ड दूसरे ओवर की समाप्ति पर 34-17 की औसत से रन बटोरे हैं यहाँ पर डीजे 11 के बल्लेबाजों ने। उन्हें पता है स्वराज्य प्रतिष्ठान के पास की बहुत ही बड़ी लाइनअप है बैटिंग की। यहाँ पर खामोश नजर आ रहे हो मधुकर खोपटकर, क्या गेम प्लान बना के आए हैं, धनंजय को ज्यादा से ज्यादा मौका दे रहे हैं, एक ही रन बनाकर अभी तक अभिजीत है। 12 गेंदों में एक गेंदों का सामना किया है, वो भी पहली गेंद का। गोवर्धन आ चुके, गोवर्धन चुकाडी जो कि खुद कप्तान है स्वराज्य प्रतिष्ठान के, फील्ड की जमावट लेते हुए दूसरा पावर प्ले भी समाप्त होता हुआ, 17 के औसत से रन बटोरे है धनंजय के लिए फील्ड की जमावट लाते हुए। 5 खिलाड़ी बाउंड्री से चिपक के मौजूद है फील्डिंग के लिए, 30 गज दायरे के अंदर 4 खिलाड़ी। गोवर्धन ओहो आगे आकर मारने की कोशिश, फ्रंट फुट पर आए थे, कोई मौका नहीं, बढ़िया वेरिएशन सीधे पैड पर लगी, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, डॉट गेंद, अभी भी स्कोर ठहरा हुआ 34 बिना कोई नुकसान के। 34 के निजी स्कोर पर पहुंची है डीजे 11 की टीम। हल्की फुल्की बातचीत करते हुए मधुकर खोपटकर नॉन स्ट्राइकिंग से, और सलाह मसलत होनी भी चाहिए बल्लेबाजों के साथ क्योंकि एक ऊर्जा का संचार होता है उनके शरीर में। ओहो यहां पर अपील की है और अंपायर ने उंगली दिखा दी, आखिरकार यश पर्याप्त करते हुए लक्ष्मण मेंदाड़कर को डीजे मास्टर।
पर यहाँ पर देखिए कितना कमबैक किया है स्वराज्य प्रतिष्ठान ने। खामोश रखा एक तरफ मधुकर को, लेकिन बैक टू बैक दो विकेट लेकर बढ़िया कमबैक किया है गोवर्धन चिकाटी ने। दो गेंदों पर दो विकेट झटकने बाद हैट्रिक का चांस उनके पास है, क्या हैट्रिक लेने में यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। नए बल्लेबाज गणेश पाटिल आ चुके हैं। भारत की ओर से सबसे पहले हैट्रिक लेने का मौका था चेतन शर्मा को, जिन्होंने वर्ल्ड कप में लिया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। दौड़ना शुरू कर दिया अपर को पार करते हुए, उठा कर खेला यहां पर और एक मौका, ताली बजनी चाहिए मैदान में से। डीजे मास्टर वर्धन चिकाटी ने, और दोनों बार कैच लपका है विकेटकीपर लक्ष्मण मेंदाड़कर ने। और नए बल्लेबाज आ चुके हैं डीजे 11 की ओर से अविनाश चौहान। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हैं अविनाश, अभी तक खामोश और नाचक इन पर वो है मधुकर खोपटकर, जिन्होंने एक गेंद का सामना किया है, एक रन बनाकर अभिजीत नॉन स्ट्राइक इन पर। दो गेंदे आने बाकी, एक भी रन खर्च नहीं किया है, चार गेंदे खर्च की है लेकिन एक भी रन खर्च नहीं किया। बैक टू बैक तीन विकेट झटका है यहाँ पर गोवर्धन चिकाटी ने। वेल डन यहाँ पर, वेल प्ले गोवर्धन चिकाटी। दाद देना चाहूंगा आपकी गेंदबाजी की, चतुराई की, बढ़िया वेरिएशन लाते हुए संकट में पड़ी हुई टीम स्वराज्य प्रतिष्ठान को संकट से निमट कर आती हुई ऊपर इस बार दौड़ना शुरू कर रहे हैं। सामने वाले छोर से 10-12 कदम अंपायर को पार करते हुए फिर एक बार उठा कर खेला, क्या फीडर गेंद के नीचे आते हुए फीडर को चका दी गेंद, वन बॉल सीमा रेखा के बाहर, चार रन। एक रुपया इथे येऊन वो आसन ग्रहण करायचं आहे, अतिथी कक्षा मध्ये आपली बसण्याची व्यवस्था केली आहे। चला मॅच कडे जाऊया। और यहाँ पर गोवर्धन ने बहुत ही जादुई गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके हैं अपने पांच गेंदों में, चार रन देकर तीसरी ओवर के समाप्ति पर चार रन दिए है लेकिन चार विकेट झटके है। स्कोर का ठहरा हुआ 38 रन। नए बल्लेबाज उनकी जगह लेने के लिए अविनाश चौहान की जगह महादेव निगुड़कर। महादेव निगड़कर नए बल्लेबाज आ चुके हैं। एक गेंद का सामना करके एक रन पर अभिजीत है वो खुद कप्तान मधुकर खोपटकर। अभी देखने लायक बनता है आने वाले तीन ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी कर लेते हैं। रोका जरूर है, विकेट का पतन जरूर हुआ है लेकिन अच्छी खासी स्थिति में आई है डीजे वलन की टीम। अच्छी खासी रणनीति बनानी होगी। फिर एक बार मयूर मेंदाड़कर आ चुके हैं, जिन्होंने 20 रन खर्च किए थे उनके दूसरे ओवर में, पहले ओवर में। मयूर मेंदाड़कर को मौका दिया है, उनके ऊपर विश्वास जताया है गोवर्धन चिकाटी ने। सामने है मधुकर, दौड़ना शुरू कर दिया 10-12 कदम को पार करते हुए।
फुल टॉच यहां पर उठाकर खेला है, गेंद के नीचे फील्डर है क्या, फील्डर, ओ माय गॉड, कैचेस विन द मैचेस, और एक विकेट का पतन होता हुआ डीजे मास्टर। फाइव विकेट, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। अच्छी खासी कमबैक की है स्वराज्य प्रतिष्ठान ने डीजे वलन के लिए गेंदबाजी करते हुए, उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन अपने ही फॉलोअर तुर में जब तक फील्डर फील्डिंग करे तब तक कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जज्बात ही नहीं, अपने कदम वापस खींचते हुए दोनों बल्लेबाज माधव और संकल्प। और मयूर ने बढ़िया अच्छा खासा कमबैक किया, एक वाइड जरूर आया है, लेकिन तीन रन खर्च कर चुके हैं, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। जब से धनंजय का विकेट गिरा है तब से विकेट का पतन ही होता हुआ, बल्ले पर नहीं आई, सीधे पैड पर, लेकिन रन आउट की संभावना भी क्लोज, लेकिन जब तक थ्रो आए तब तक दोनों खिलाड़ी अपने क्रीज में वापस, लेग बाइट्स का इशारा करते हुए हमारे ऑफिशियल अंपायर। एक रन के साथ टीम स्कोर आगे सरकता हुआ 42 रन, चौथा ओवर प्रगति पर है, कोई मौका नहीं दे रहे, कसी हुई उच्च कोटि की गेंदबाजी के साथ उच्च कोटि की शतरक्षण भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं, यह है एक टीम की एकता। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, फाइन लेग के रीजन में जाती हुई डिक्लेयर जोन में, कितने रन आते हैं, अंपायर का इशारा, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए चौका। जय श्री राम का नारा लगाते हुए हमारे डीजे मास्टर धन्यवाद। इस 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन, आखिरी गेंदानी बाकी इस चौथे ओवर की, माधव के लिए मयूर, नॉन इन पर संकल्प दौड़ना शुरू कर दिया आखिरी गेंद के लिए। ओहो, फिर एक बार समझ नहीं पाए, बल्ला जरूर घुमाया था, पैड पर लगी गेंद, अंपायर का इशारा लेके बाइज का 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा, यानी कि चौथी ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड डीजी 11 का 48, लॉस ऑफ 5 विकेट चौथी ओवर की समाप्ति पर। मयूर ने बढ़िया कमबैक किया दूसरे ओवर में, अभी देखने पांचवा ओवर लेके कौन आते हैं। 9 रन खर्च कर दिए पहले ओवर में, 20 रन देने के बाद बढ़िया किफायती गेंदबाजी की, और दूसरे ओवर में यानी कि स्पेल के दूसरे ओवर में उनके 9 रन खर्च कर दिए। स्कोर का ठहरा हुआ अभी भी डीजे 11 का 48, दूसरे ओवर में 34 रन थे दूसरे ओवर की समाप्ति पर। अभी 2 ओवर का समाप्त होने के बाद 6 ही रन बटोर चुके हैं और 4 के 5 विकेट खोए डीजे 11 के बल्लेबाजों ने। बढ़िया कमबैक किया है स्वराज्य प्रतिष्ठान द्वारा गेंदबाजों ने, जल्द से जल्द फील्ड को सजाया जाए। लक्ष्मण मिंदाड़कर आ चुके हैं एक क्रिकेट जगत में, टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम लक्ष्मण मिंदाड़कर,
संघर्ष क्रिकेट टीम के सर्वे सर्वा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, अपने टीम के लिए ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं। एक बड़ी बोली लगाकर स्वराज्य प्रतिष्ठान ने उन्हें खरीदा है। बॉलिंग मार्ग पर तैयार है लक्ष्मण मेंदाड़कर, सामने माधव। माधव निगुड़कर के लिए पहली गेंद करने के लिए तैयार लक्ष्मण। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को उठाकर खेला है फील्डर, गेंद के नीचे आते हुए फील्डर को चकाती गेंद, सीमा रेखा कर जाएगी, जी हाँ सीमा रेखा के बाहर चौकार। ऐसे पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद है, आखिरकार सफलता अर्जित करते हुए और एक विकेट का पतन होता हुआ डीजे 11 के लिए डीजे मास्टर। आउट होने के बाद प्रमोद झिंगर इनके मैदान में एंट्री हो चुके हैं। माधव ने दो रन बनाए, आठ रन बनाए दो चौके की सहायता से, आठ रन बनाकर पॉइंट में जाते हुए अपने डगआउट में लक्ष्मण मेंदाड़कर को मिलती है पहली सफलता। टीम का स्कोर ठहरा हुआ 52 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 52 रन 52 लॉस ऑफ 6 विकेट, फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस। फील्ड चेंजअप करते हुए लक्ष्मण मेंदाड़कर, सामने संकल्प, ओहो उठाकर खेला उसे लॉन्ग ऑन के रीजन में, फील्डर है वहां पर हरदास पाटिल, एक रन तो पूरा कर दिया, जब तक थ्रो आए तब तक आसानी के साथ दो रन दौड़कर पूरे कर दिए। दो रन के साथ स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 54, प्रमोद झेंगर ने अपना खाता खोल दिया दो रन के साथ, माफ कीजिएगा संकल्प जो कि नॉन स्ट्राइक इन पर है, स्ट्राइक इन पर प्रमोद झेंगर। पांचवा ओवर कर रहे हैं लक्ष्मण मेंदाड़कर, जिनको एक सफलता अर्जित की, लेकिन 3 गेंदों में 6 रन खर्च कर चुके हैं। ये पांचवा और छठवां ओवर है, वो मार झोड़ वाला ओवर है। अंदर की तरफ आती हुई गेंद समझ नहीं पा सके, लेकिन बढ़िया दौड़ लगाई विकेट के बीच में, एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा। जैसे भी रन आए जिस तरह से आए बहुमूल्य रहे थे, क्योंकि आखिरी ओवर रहता है पांचवा और छठवां ओवर जो रहता है वो मार झोड़ वाला ओवर रहता है। एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 55, जो कि किरण पोलार्ड और बेन स्टोक इनका जर्सी क्रमांक है। लक्ष्मण मेंदाड़कर तैयार है संकल्प के लिए, उठाकर खेला मैदान के ऊपर से, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में मयूर है वहां पर, जब तक आसानी के साथ फीड करे थ्रो करे तब तक दोनों खिलाड़ी ने अपना छोर बदला, स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 56, लॉस ऑफ 6 विकेट, फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस। आखिरी गेंद आने बाकी, पहले गेंद पर चौका आने के बाद बढ़िया कमबैक किया है लक्ष्मण मेंदाड़कर ने, क्योंकि बड़े गेंदबाज है, कभी भी कमबैक कर सकते हैं अनुभव के साथ। आहो बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आई, अंपायर का इशारा डिक्लेयर जोन में जाते हुए एक रन का, एक रन के साथ पांचवी ओवर की समाप्ति पर डीजी 11 का स्कोर कार्ड है 57, लॉस ऑफ 6 विकेट, पांचवी ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर डीजे 11 की टीम। आखिरी ओवर आने बाकी, देखना आखिरी ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी कर लेते डीजे 11 के बल्लेबाज, क्योंकि सामने एक बड़ी टीम है स्वराज्य प्रतिष्ठान की, बड़ी बैटिंग लाइनअप उनके पास है, तो शायद 70 के करीब स्कोर कार्ड उनके सामने या टारगेट सामने खड़ा करना होगा और अच्छी खासी गेंदबाजी करनी होगी। बहुत बढ़िया शुरुआत की थी मधुकर और धनंजय ने दूसरी ओवर की समाप्ति पर, पहले विकेट के लिए साझेदारी 34 रनों की बनाई थी, लेकिन बाद में आने वाली दो ओवर में 4 विकेट खोकर 6 ही रन बनाए, यानी कि 4 ओवर में 40 ही रन बने हैं। गोवर्धन चिकाडी एक बहुत ही बढ़िया ओवर लेके आए थे,
योगेश मोलना के ऊपर भरोसा जताया, जबकि गोवर्धन ने चार विकेट झटका कर भी खुद के पास गेंदबाजी नहीं रखी, योगेश मोलना के ऊपर विश्वास जताया है। प्रमोद स्ट्राइक इन पर, नॉन स्ट्राइक इन पर संकल्प, और गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे आखिरी ओवर लेके योगेश मोलना का, अपने बॉलिंग मार पर तैयार है। फील्ड की जमावट दूर तक फैलाती हुई तैयार योगेश, प्रमोद के लिए दौड़ना शुरू कर दिया अंपायर को पार करते हुए। हल्की सी अंदरूनी किनारा था लेकिन विकेट कीपर के ऊपर से जाते हुए अंपायर का इशारा, डिक्लेयर जोन में जाते हुए एक रन का इजाफा, एक ही रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 58, लॉस ऑफ 6 विकेट, 58 पर पहुंची है डीजे वेलन की टीम, जो कि जर्सी क्रमांक जाता है ब्रेट ली का, 2020 में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने का कारनामा है उनके नाम पर। फिर एक बार अंदरूनी किनारा लेके गई है डिक्लेयर जोन में, एक रन का इशारा, बढ़िया कमबैक करते हुए योगेश मोलना, दो गेंदों पर दो रन खर्च कर दिए, कोई भी मौका नहीं दे रहे अपनी गेंदबाजी के ऊपर, बढ़िया वेरिएशन, आउट स्विंग, इन स्विंग, लेग कटर, ऑफ कटर और बीच बीच में यॉर्कर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। योगेश मोलना अनुभवी गेंदबाजों में से है, कहे स्वराज प्रतिष्ठान की ओर से उठाकर खेला उसे, इस वेले के रीजन में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, वन बाउंस, सीमा रेखा के बाहर चौकार। इस चौके के साथ स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ, छलांग लगाता हुआ 63, तीन गेंदें आने बाकी, तीन गेंदों में क्या कर लेंगे योगेश मोलना, जबकि चौका आने के बाद एक नव संजीवनी आ चुकी है बल्लेबाज प्रमोद को, जिन्होंने एक चौके के साथ सात रन बनाए हैं, कीमती और बहुमूल्य बल्लेबाजी यहां पर आखिरी ओवर में। बार बार फील्ड की जमावट को लेते हुए शॉट एक्स्ट्रा कवर में एक और खिलाड़ी मौजूद कर दिया है, पॉइंट के साथ एक खिलाड़ी मौजूद है। फिर एक बार उठाकर खेला और गेंद जा रही है दर्शक दीर्घा में, सीमा रेखा के बाहर षटकार। आखिरी ओवर प्रगति पर है, 69, लॉस ऑफ 6 विकेट, आखिरी दो गेंदे शेष है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 15 रन पर बल्लेबाजी कर रहे प्रमोद झेंगर, दो गेंदों में क्या यहां पर जादुई बल्लेबाजी कर लेते हुए देखने लायक बनता है। मैंने शुरुआती में कहा था 70 या 75 तक पहुंचनी चाहिए डीजे इलेवन की टीम, आखिरकार वो बड़ा टारगेट हो सकता है स्वराज प्रतिष्ठान के सामने। योगेश दौड़ना शुरू कर दिया अंपायर को पार करते हुए, प्रमोद के लिए फिर एक बार उठाकर खेला, हाँ में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और यहां पर और एक विकेट का पतन होता हुआ, वेल डन मयूर मेंदाड़कर डीजे मास्टर। संख्या पर और एक विकेट का पतन होता हुआ, सातवें विकेट का पतन होता हुआ, नए बल्लेबाज आते हुए डीजे इलेवन की ओर से। योगेश नए बल्लेबाज के लिए, ओहो पटकी हुई गेंद सीधे विकेट के ऊपर की दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, डॉट गेंद। इसी प्रकार से 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड 69 पर पहुंचा है डीजे 11 का और जीत के लिए टारगेट रखा है 70 रनों का, जबकि बढ़िया बल्लेबाजी की थी धनंजय मेंदाड़कर ने, जिन्होंने 13 गेंदों में 32 रन बटोरे थे, उनके बाद विकेट की पतन की झड़ी लग चुकी, दो ओवर के समाप्ति पर 34 रन आए थे, लेकिन बाद में एक तूफान आया था गोवर्धन चिकाटी नामक, जिन्होंने चार झटके एक ओवर में दिए थे, उसी के हिसाब से थोड़ा सा लगाम दिया उनके बल्लेबाजी को,
लेकिन आखिर तक छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड 69 और 70 रनों का टारगेट उनके सामने दिया है। अभी देखना है 70 रन के टारगेट को किस तरह से पार करते हैं स्वराज्य प्रतिष्ठान के बल्लेबाज, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। उनके पास भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की लाइन है, मधुकर जैसे अच्छे खासे गेंदबाज माने जाते हैं, उनके पास बड़ा पेस है। अभी देखना उनकी गेंदबाजी के खिलाफ स्वराज्य प्रतिष्ठान के बल्लेबाज टिकते कि नहीं, वो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ से लेता हूँ तुमसे अलविदा, और आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे परम मित्र मराठी में परे जी को पटकर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आतापर्यंत ऐकत होतात आवाज या कॉम्बॉक्स मधून एक इम्प्रेशन वाइज नटखट पर्सनालिटी अदाकारी कलाकार एस लक्ष्मण खिरोजी सर, मी घेऊन जातोय तुम्हाला पुन्हा एकदा मैदानावरती, जेथे सामना आहे एक तर्फे पाहायला गेले तर डीजी 11 आणि त्याला फायटिंग करतोय इन ऍक्शन स्वराज प्रतिष्ठान। नाणेफेक कॉल जिंकला स्वराज प्रतिष्ठान टीम्स ने आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं। फलंदाजीसाठी इन्व्हाइट केलं होतं 6 षटकांची मॅच डीजी 11 टीम्स ला, आणि 66 षटकांच्या अखेरीस धावफळ घेऊन पोहोचलं स्कोर कार्ड वरती 69 धावा। येणार समीकरण असेल तुमच्या समोर 36 चेंडू आणि धावा बनवायच्या आहेत तुम्हाला तब्बल 70 धावा, आणि 70 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी इन ऍक्शन मैदानावरती सलामीची जोडी पाहायला मिळेल। इकतर पहिला कॅप्टन कुल स्वराज प्रतिष्ठान गोवर्धन चिकाटी आणि त्यांच्या सोबत 3 आलाय नो डाऊट सर लक्ष्मण मेंदाडकर। सहा षटकांची मॅच एक हाय व्होल्टेज मुकाबला पाहायला मिळेल। 70 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी खेळपट्टीवर दाखल झालाय। ऑन स्ट्राइकला बॅटर येईल, षटक क्रमांक पहिला हाताळण्यासाठी खेळपट्टीवर दाखल झाले कॅप्टन कुल माही डीजी 11 संघाकडून। 70 धावा 36 चेंडूंचा खेळ, जबरदस्त मॅच पाहायला मिळेल। रंगतदार क्रिकेटचा थर, क्रिकेटचा कुंभमेळा, क्रिकेटचा रणसंग्राम आणि आजच्या दिवसाचा हा महासंग्राम पाहायला मिळेल। डीजी 11 त्याला फायटिंग करतोय स्वराज प्रतिष्ठान। षटक क्रमांक पहिला मधुकर खोपटकर आणि ऑन स्ट्राइक ला सर लक्ष्मण मेंदाडकर। पहिला चेंडू पेस करत असताना मधुकर खोपटकरचं काय घडलं जाईल, काय बिघडलं जाईल, लाईव्ह टेलिकास्ट मध्ये पाहिलं जाईल। सुंदर टूर्नामेंट, एक चांगली स्पर्धा तुम्ही एन्जॉयमेंट करताय, लाईव्ह टेलिकास्ट केले जाते, लाईव्ह टेलिकास्ट जे पाहतात त्यांचं देखील पुन्हा सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून। येथे टेनिस क्रिकेट जगतातील प्रेक्षक देखील पाहतात, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत, वेलकम सुस्वागतम घेऊन जातोय। पुन्हा एकदा ग्रीन सिग्नल आलाय पंचांचा, लेस प्ले सामना। पहिला चेंडू लक्ष्मण मेंदाडकर सर मधुकर खोपटकर, पहिला चेंडू पेस करत असताना उचलला फेकून दिला चालतला पिक करतोय, जाईल चेंडू वन बाऊ सीमा रेषा पार, कम ऑन डीजे।
आपला सुरुवात केलाय समाचार घेतो मधुकर खुपडकरच्या बॉलिंग मध्ये या चौकारांना सर वीरेंद्र सेवकची आठवण करून दिली तब्बल 19 मॅच खेळला आणि 19 मॅच चौकारांना सुरुवात करण्याचं कारनामा पेश करत असताना वीरेंद्र सेवक तेच चित्र पाहायला मिळेल पहिला चेंडू पेश करत असताना लोअर फुलटा चेंडू खोदून काढला चौकाराच्या रिजनला यास पुन्हा एकदा उचलला फेकून दिला यू मिस आय डेफिनेटली बिग 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 षटकार कम ऑन डीजे प्रतिष्ठानची हवा दोन चेंडूवरती 10 धावा कन्वर्ट केला जाईल स्कोरबोर्ड ऑन झालाय 10 धावा पहिला दोन चेंडूची सांगता केले आणि समाचार घेतोय सर लक्ष्मण मेंदाडकर अप्रतिम फटकेबाजी अनस्टॉपेबल नेक्स्ट बॉल एल्स पुन्हा एकदा कव्हरच्या रिजनला इष्ट कव्हर रिजनला क्षेत्ररक्षण ते आउटफील्ड खराब असेल दोन धावा कन्वर्ट केला जाईल दोन धावा मिळतील स्वराज प्रतिष्ठान टीमला दुहेरी धावणे संघाची धाव संख्या 12 धावा षटक क्रमांक पहिला यासाठी ओळखला जातो लक्ष्मण मेंदाडकर सर ही खासियत आहे अडेक मैदानावरती आपले परिश्रम करून जुना अनुभव पणाला लाभत असताना या विस्फोटला उचलला फेकून दिला या येईल रेंज रोवर बिग 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 लक्ष्मण मेंदाडकरच्या बॅट मधून कणाकाती षटकार कमोंडी सर लक्ष्मण मेंदाडकर ही खासियत स्वराज्य प्रतिष्ठान नेक्स्ट बॉल यावेळी स्लोवर फुलटो चेंडू खोदून काढला जाईल क्षेत्ररक्षणच्या हातामध्ये खराब क्षेत्ररक्षण प्रमोद झेंगरचा जिथे जेल होता जेल धरणीला दान झालाय आणि जीवन दान दिलं भाग्य बी बहादूर कोई साथ देत आहे लक्ष्मण मेंदाडकरला इथं जीवन दान मिळलंय पंबल झालाय थोडासा दोन धावा एकवटल्या जातील दोहेरी धावीच्या मदतीनं संघाची धाव संख्या वीस धावा जबरदस्त सुरुवात पाहायला मिळाली पहिल्या चेंडूवरती चौकार दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार तदनंतर चौथ्या चेंडूवरला सीमारेषा पार केल्या लॉंग ऑफ रिजन अप्रतिम फटकेबाजी ही खासियत आहे तब्बल 70 धावांचा पटला करताना हा भी पडलाय मधुकर गोलंदाजीचा आणि मधुकर गोलंदाजीचा समाचार घेत असताना दोन धावा यस थँक्यू सो मच पाच बॉल दोन धावांची पेनल्टी यस थँक्यू सो मच दोन धावांची पेनल्टी दिली जाईल राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी करतोय लक्ष्मण मेंदाडकर ऑन स्ट्राइकला यावेळी खोदून काढण्याचा प्रयत्न तेज तरार गोलंदाजी युवारकर पद्धतीची गोलंदाजी यासाठी ओळखला जातो मधुकर खुपडकर एक धाव कन्वर्ट केली जाईल चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट जोपर्यंत अवधी मिळेल तोपर्यंत एक सिंगल ऍड केली जाईल ऑन स्कोर बोर्ड वरती संघाची धाव संख्या 21 धावा 21 लॉस ऑफ द 0 विकेट फर्स्ट ओव्हर इन कम्प्लीट जबरदस्त मॅच 70 धावांचा पटला करताना हाणा मारीत षटक पॉवर प्लेचं षटक तुम्ही देखील पाहताय 7 चेंडूंचा खेल झालाय 7 चेंडू मध्ये धावा खर्ची केल्या तब्बल 21 धावा जबरदस्त मॅच दोन षटकार आलेत एक चौकार आलाय आणि हावी पडला गोलंदाजावरती मधुकर खोपटकरच्या गोलंदाजा पुरेपूर समाचार घेत असताना सर लक्ष्मण मेंदाडकर यासाठी तर ओळखला जातो अनेक टेनिस प्रेक्षकांच्या मनावरती अधिराज्य गाजवणारे नाव अनेक मैदानावरती आपला घाम घालून परिश्रम केलेत आणि तेव्हा तर मोठं नाव या सुवर्ण अक्षरात कोरलं जातं मनामध्ये ते चित्र पाहायला मिळते कित्येक वर्षाचा अनुभव या दिघी कोलीवाडा प्रीमियर लीग मध्ये पॉवर प्ले यस पॉवर प्ले असेल सर बॅटिंग पॉवर प्ले यस थँक्यू सो मच बॅटिंग पॉवर प्ले घेतलाय
संकल्प आला षटक क्रमांक दुसरा हाताने बॉलिंग ट्रैक वरती राइट मोड़ते विकेट ऑन स्ट्राइक ला हा भी पड़ला एक हार्ड हिटर फलंदाज संपूर्ण दिघी गावातील दिघी गावाचे नाव अक्षरशा नकाशा मध्ये शोधणार एकमेव सितारा दिघी कोलीवाडा कडून तुम्ही पाहताय हा भी पड़ला गोलंदाजावरती पुरेपूर समाचार सहा चेंडूंचा एकदा पॉवर प्लेचं षटक होतं हाणामारीचं षटक त्या पॉवर प्लेचं षटकाचं पुरेपूर फायदा केलाय तब्बल 21 धावा 21 ला शब्द चिर विकेट्स पहिला चेंडू षटक क्रमांक दुसरा संकल्प नागावकर यावेळी चांगली गोलंदाजी अकूट टप्प्याची गोलंदाजी किती धावा येतील ऑन स्कोर बोर्ड वरती दोन धावा कन्वर्ट केल्या जाईल डिक्लेअर झोन मध्ये गेला टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उशी घेतली बॅटची लीडिंग एज घेतला प्रॉपर टायमिंग येथे झाला नाही त्याचा फायदा होईल डीजी 11 स्पोर्टला अर्थात डीजी 11 टीम्सला धनंजय गोवारीने आज पुरस्कृत केलेला संघ तुम्ही पाहताय दिघी कोलीवाडा प्रीमियर लीग मध्ये एकतर्फे पाहायला गेलं तर परिश दिघीकरचा देखील संघ आहे स्वराज्य प्रतिष्ठान बाहेर चेंडू हव्या ऑफ द बॉडी एक सिंगल ऍड केली जाईल कॉम बॉक्स मध्ये इशारा देखील आलाय मुख्य पंचांच्या भूमिकेत संकल्प नागावकर उजव्या पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी साकारली लक्ष्मण बेंदाडकर साठी एव्हरेज लो लोअर फुलटॉस चेंडू आपल्याच लोमॅन्स लँड मध्ये पडलाय क्षेत्ररक्षण तैनात असेल अभिच बॅकअप एकदम जबरदस्त गेल्या मॅच मध्ये देखील बॅकअप केलं होतं दिलीप बेडकरच्या हातामधून चेंडू विसवला होता परंतु अविनाशनी बॅकअप केलं यावेळी ते चित्र पाहायला मिळतंय चांगली कावकरच्या रिजनला स्टेट डाऊन द ग्राउंड क्षेत्ररक्षण तैनात आहे तिथून कावकरच्या रिजनला येऊन क्षेत्ररक्षण सेट झाला आणि बॉल पकडलाय दोन धावा कन्वर्ट केली जाईल ऑन स्कोर बोर्ड वरती 70 धावांचा पाठला करतोय स्वराज प्रतिष्ठान अविनाशला हवी पडलाय जाईल चेंडू रेंज रोवर लक्ष्मण मेंढारकरच्या बॅट मधून हा येईल रेंज रोवर बिग 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 षटकार कम ऑन डीजे संघाची धावसंख्या 32 धावा ऑन स्कोर बोर्ड वरती 70 धावांचा पाठलाग करताना दुसऱ्याच गोलंदाजाचा समाचार घेतोय संकल्प नागावकर जबरदस्त फलंदाजी यावेळी पुन्हा एकदा बॅट कट असेल बॅटची कडा घेतले प्रॉपर टायमिंग डिक्लेअर झोन मध्ये गेला यस दोन धावा कन्वर्ट केल्या जातील दोन धावीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 34 धावफळ घेऊन पोहोचलाय स्वराज्य प्रतिष्ठान सलामीची जोडी खेळपट्टीवर दाखल आहे एकतर्फी पाहायला गेलं तर टीम कॅप्टन गोवर्धन चिकाटी नाणेफेकचा कॉल जिंकून चांगला निर्णय देखील पाहायला गेला 6 षटकांची मॅच होती क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं फलंदाजीसाठी इन्व्हाइट केलं होतं डीजी 11 टीम्सला ऍव्हरेज गुटनाटेक मारण्याचा प्रयत्न होता सरसवून खेळण्याचा प्रयत्न होता सरप्राईज एज लागले आणि एक धाव कन्वर्ट केली चालेल चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट एकेरी धावने कन्वर्ट केली जाईल एकेरी धावच्या मदतीने संघाची धाव संख्या 35 धावा 11 चेंडू नंतर ऑन स्ट्राईक ला आलाय गोवर्धन चिकाटी सलामीची जोडी 11 चेंडूंचा खेळ देखील झालाय शेवटचा चेंडू वरती हवी पडलाय जाईल चेंडू सीमा रेषा पार गोवर्धनच्या बॅट मधून आईल स्वराज्य प्रतिष्ठान षटकार कम ऑन डीजे संकल्प नागावकरच्या गोलंदाजा सांगता आणि दोन षटकांचा खेल इथे संपुष्टात आलाय 2.00 चा खेल संपुष्ट होईल तोपर्यंत 0 गडीच्या मोबदल्यावरती स्वराज्य प्रतिष्ठान टीम येऊन पोहोचली ऑन स्कोर बोर्ड वरती टोटल धावसंख्या 41 धावा 70 धावांचा पाठला करताना समीकरण होतं तुमच्या समोर 36 चेंडू जिंकण्यासाठी 70 धावा दोन षटकांचा खेल अखेरीत झालाय 41 धावा ही खास स्वराज्य प्रतिष्ठान दिग्गज फलंदाजांनी गोलंदाजांनी भरलेली टीम तुम्ही देखील पाहताय डीके पीएल मध्ये
स्वराज्य प्रतिष्ठान एक तर्फे पाहायला गेलं तर लक्ष्मण मेंदाडकर सर, गोवर्धन चिकाटे कॅप्टन कोल, हरिदास पाटील, मयूर मेंदाडकर असेल, टेनिस क्रिकेट स्मिथ, ए वन पवन, डान्सिंग दाऊद खेळाडू देखील तुम्ही पाहताय स्वराज्य प्रतिष्ठान कडून। मयूर च्या नावाचा बोलबाला आतापर्यंत आहे या मैदानावरती। तेज तरार गोलंदाजी तितकी चांगली, गगनचुंबी षटकार देखील पाहायला मिळते मयूर मेंदाडकरच्या बॅट मधून, तो देखील इन ऍक्शन पाहायला मिळेल। बॅटिंग साठी स्वराज्य प्रतिष्ठान कडून सलामीची जोडी खेळपट्टीवरती अजूनही 41 धावांवरती येऊन पोहोचली। चांगली सुरुवात, 70 धावांचा पटला करतो। षटक क्रमांक तिसरा आतण्यासाठी खेळपट्टीवर दाखल झाला बॉलिंग ट्रॅक वरती मधुकर खोपटकर, राईट ऑफ राऊंड विकेट गोलंदाजी करेल। जबरदस्त मॅच पाहायला मिळेल, हाणामारीचा मॅच, हाय व्होल्टेज मुकाबला। लोअर फुल टॉस खोदून काढलाय गुटलाटेर, और तमाशा देख, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ बिग 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 षटकार। कम ऑन डीजे, आता है कामयाबी दीवानी हो चुकी जिसकी, जब लक्ष्मण मेंदाडकर टाइगर गुफा से बाहर आता है। अनस्टॉपेबल बैटर एवरी साल का तने स्लैश केला है, जेल टीपला पहला जीव झटका, स्वराज्य प्रतिष्ठा लक्ष्मण मेंदाडकर चा परिचांत होतो। कम ऑन डीजे, तेरा चेंडू मध्ये 40 धावा कुठला, एकदा जोरदार टाला स्वराज्य दगआउट मधून, चार षटकार एक चौकार, तपल 40 धावांची पारी, अप्रतिम बॅटिंग, जबरदस्त, अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल लक्ष्मण मेंदाडकर पारीचा अंत झाला। कम ऑन डीजे, जबरदस्त मॅच आपल्या दगआउट मध्ये, टाळ्यांचा गडगडाट, स्वर्ष स्वागत करतात, 40 धावांची पारी, नक्की स्वराज्य प्रतिष्ठानसाठी हा विजयाचा झेंडा नक्की तुरवला गेला। घुटनाटेक मारण्याचा प्रयत्न असता धनंजय मेंदाडकर असेल, चांगली क्षेत्ररक्षण, तितकी चांगली थ्रो, वन द स्टंप्स होईल तोपर्यंत एक धाव कन्वर्ट केली जाईल। एक धावच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 49 धावा, 70 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या गडीच्या मोबदल्यावरती स्वराज्य प्रतिष्ठान 49 धावांवरती येऊन पोहोचले। तिसरा षटक हॅवी पडलाय, पुन्हा एकदा पहिल्या चेंडूवरती सरस स्वागत केलं होतं, त्यानंतर थोडस कमबॅक करतोय मधुकर खोपटकर, राईट आर्म राऊंड विकेट यावेळी सन्मान देतोय। ही खासियत आहे गोवर्धन कॅप्टन कुल, आपल्याच कॅप्टनला एक सन्मान देणार चेंडू देखील तुम्ही पाहताय। यॉर्कर पद्धतीची गोलंदाजी, कालच्या चेंडू कालच्या सत्रामध्ये देखील पाहिला गेला असेल, कालच्या दिवसामध्ये याच गोलंदाजाने या चेंडूनं हिराचंद्र गुणाजीची विकेट पटकावली होती, आणि त्यानंतर गुडलक टीम्सने विजयाचा झेंडा देखील रोवला होता। नेक्स्ट बॉल, हो या विलीस मोठा स्ट्रोक सरसावून करण्याचा प्रयत्न होता बॅट आडव्या बॅटने, पण चेंडूचा बॅटचा होत नाही संपर्क, निर्धाव टाकण्यामध्ये यशस्वी ठरतोय। थेट इष्टरक्षणाचा भेद प्रभाकर तांडेल, कुठलीही चुका करणार नाही, निर्धाव टाकण्यामध्ये यशस्वी, परिवर्तन करतोय, कम बॅक करतोय, व्हेरिएशन करतोय आपल्या गोलंदाजीवरती। जबरदस्त मॅच, हाय व्होल्टेज मुकाबला, 49 धावा या वेळेस, मोठा स्ट्रोक उचलला, फेकून त्याला चॅलेंज पिक करतोय, जाईल चेंडू, सी मारे शापार, स्वराज्य प्रतिष्ठान षट, पहिल्या चेंडूवरती षटकार, तदनंतर षटकारीने सांगता केले गोवर्धन चिकाटीने, षटकारांच्या अखेरी संघाची धावसंख्या एक गडीच्या मोबदल्यावरती 55 धावा। ताली में नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की, रखते हौसला आसमान छूने का, वो डरते नहीं जमीन पर गिर जाने की। जबरदस्त बैटिंग गोवर्धन चिकाटी, अनस्टॉपेबल, अन बी टेबल,
मयूर मेंदाडकर हवी पड़ला पहिला चपलाच फॉलोत्र मध्ये जेल होईल आणि जेल टिपलाय संकल्प नांगावकरच्या हातामध्ये चेंडू बिसवलाय झटका क्रमांक दुसरा पारीचा अंत होतोय मयूर मेंदाडकर बॅक टू द डगआउट कम ऑन डीजे चौथा आतण्यासाठी प्रभाकर तांडेल आलाय न्यू बॅटर इन होईल मयूर मेंदाडकरची जागे घेण्यासाठी हरिदास पाटील हा देखील अष्टपैलू खेळाडू आहे संघर्ष दिघी संघाकडून यावेळी स्वराज्य प्रतिष्ठानकडून बोणी लागले टीम संघ मालक तुम्ही देखील पाहताय परेश दिघीकरनी आपल्या संघामध्ये दाखल केलाय चांगले दिग्गज फलंदाज तुम्ही पाहायला मिळेल सत्तर धावांचं टार्गेट होतं दोन धावांची पॅनल्टी आहे त्यामुळे 68 धावा करायच्या समीकरण दोन धावांची पॅनल्टी देखील लागली राईट ओव्हर द विकेट प्रभाकर तांडेल अर्थात बाळू अक्रॉस घुटना टेक ऑर ही खासियत आहे सिग्नेचर शॉट यासाठी ओळखला जातो हरिदास पाटील आपल्या स्वराज्य प्रतिष्ठानसाठी खेळत असताना दोन धावा कन्वर्ट केल्या जाईल दोन धावीने तर अकाउंट ऑन होईल हरदास पाटीलचा आणि दोन धावा कन्वर्ट केल्या जातील स्वराज्य प्रतिष्ठानच्या ऑन स्कोर बोर्ड वरती धाव संख्या पोहोचलाय 57 धावा पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता बॅटच्या स्टिकर वरती चेंडू आदला तितकी चांगली थ्रो बंद स्टम्प संकल्पनागरची जोपर्यंत अवधी मिळाली तोपर्यंत सिंगल एक बट गेली चांगली रनिंग बिडिंग द विकेट एक धाव कन्वर्ट केली जाईल 58 धावा 68 धावा करायच्या आहेत तुम्हाला 36 चेंडू मध्ये षटक क्रमांक चालू आहे प्रगती पथावर चौथ 3.3 चा खेळ एकदा संपुष्टात आलाय येणार 3 चेंडू या षटकातील जिंकण्यासाठी 15 चेंडू 10 धावा 68 धावांचा पटला करताना 58 धावेवरती येऊन पोहोचलाय स्वराज प्रतिष्ठान हो यावेळी सरप्राईज एज बॅकफुट लाईन इनफील्डच्या वडनं स्लॅश केलाय क्षेत्ररक्षण सेट असेल एक सिंगल ऍड केली जाईल 14 चेंडू जिंकण्यासाठी 9 धावा कंपल्सरी चेसिंग ही चांगली स्पर्धा तुम्ही एन्जॉयमेंट करता या स्पर्धेचा तिसरा दिवस तिसऱ्या दिवसातील हा एक सामना एक हाय व्होल्टेज मुकाबला देखील तुम्ही पाहताय नेक्स्ट बॉल राईट मोर द विकेट हो यावेळी स्टेट डाऊन द ग्राउंड क्षेत्ररक्षण सेट असेल पण क्षेत्ररक्षणला चकावून चेंडू धरणीला दान झालाय जीवनदान दिलं अविनाश चव्हाण इथं फंबल झालाय थोडासा हरदास पाटीलला पुन्हा एकदा जीवनदान दिलाय प्रॉपर टायमिंग झालाय नाही बॅटचा चेंडूचा स्टेट डाऊन द ग्राउंड एक धाव कन्वर्ट केली जाईल एक धावच्या मदतीनं 60 धावा 59 धावा लोअर फुलटा चेंडू यावेळी चांगला झेल संकल्प नागावकरच्या हातामध्ये कॅप्टन पारी दगआउट मध्ये जाईल गोवर्धन चिकाटीच्या पारीचा अंत होतोय झटका क्रमांक तिसरा स्वराज्य प्रतिष्ठान टीमला संघाची धावसंख्या 59 धावा कम ऑन डीजे सात धावा जिंकण्यासाठी 8 धावा षटक क्रमांक पाचवं हातण्यासाठी खेळपट्टीवर दाखल झाला 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 8 धावा जबरदस्त मॅच हाय व्होल्टेज मुकाबला पाहायला मिळेल न्यू बॅटर इन होईल गोवर्धन चिकाटीच्या जागेवरती रोशन येईल याच रोशनला दिला इन्व्हाइट केलाय पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी हरदास पाटील असेल ऑन स्ट्राइकला त्याच्या सोबतीन ऑन स्ट्राइक इनला रोशन अंबाजी असेल षटक क्रमांक पाचवा आतण्यासाठी खेळपट्टीवर दाखल झाला बॉलिंग ट्रॅक वरती संकल्प नांगावकर राईट ओव्हर द विकेट गोलंदाजी ऑन स्ट्राइकला हरदास पाटील जबरदस्त मॅच 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 8 धावा अजूनही मॅच जिवंत आहे यावेळी चांगला स्ट्रोक उचलला मधुकर खोपटकर असेल चेंडूच्या खाली करणार नाही चुका झटका क्रमांक चौथा स्वराज्य प्रतिष्ठान हरदास पाटीलच्या पारीचा अंत होतो कम ऑन डीजे
सतर्कतेचा इशारा दिलाय संकल्प नागावकर। पहिला चेंडू पेस करत असताना मोठा स्ट्रोक लागवण्याचा तो प्रयत्न होता। परेश बालदार आलाय हरदास पाटील ची जागा घेण्यासाठी। न्यू बॅटर इन होईल ऑन स्ट्राइक ला कारण हरदास पाटील पहिला चेंडू पेस करत असताना स्ट्रोक लागवण्याचा प्रयत्न होता मोठा, परंतु मधुकर खोपडकरच्या हातामध्ये चेंडू फेकलाय आणि जेल टिपलाय। पुन्हा एकदा विकेटचे पतन। दाऊद फलक येऊन पोहोचलाय सरसावेल इथंच स्थिरावले स्वराज प्रतिष्ठानचं 60 धावांवरती 4 गडीच्या मोबदल्यावरती येऊन पोहोचलाय। पाचवं षटक दुसरा चेंडू परेश बालदार मोठा स्ट्रोक लागवण्याचा प्रयत्न होता। चेंडू टप्पा पडल्यानंतर अखूट टप्प्याची गोलंदाजी तुम्ही देखील पाहताय। संकल्प नागावकर यासाठी ओळखला जातो। संकल्प नागावकर का घेतला जातो मला डीजी 11 टीम कडून हे सूत्र हलवताना डीजी 11 टीम संघाकडून। लोअर फुलटा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता। बॅटन चेंडूचा होत नाही संपर्क। पुन्हा एकदा निर्धाव टाकण्यामध्ये यशस्वी। 3 चेंडू आतापर्यंत हाताला गेलेत। 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज होती। आता जिंकण्यासाठी येणार समीकरण असेल 9 चेंडू 8 धावा। जबरदस्त मॅच, हाय व्होल्टेज मुकाबला। यावेळी जबरदस्त गोलंदाजी, एसटी रक्षणच खराब होतो इथं। डिक्लेअर झोन मध्ये जाईल, 2 धावा कन्वर्ट केला जाईल। 8 चेंडू बाईच्या स्वरूपात, 8 चेंडू जिंकण्यासाठी 6 धावा। अजूनही मॅच जिवंत आहे। जबरदस्त मॅच, हाय व्होल्टेज मुकाबला पाहायला मिळेल। जबरदस्त एन्जॉयमेंट करता ही स्पर्धा। आजच्या दिवसातील हा ऑडिटर सामना स्वराज प्रतिष्ठान त्याला फायटिंग करतोय। डीजी 11 नाणेफेकचा कॉल जिंकला स्वराज प्रतिष्ठान। नेक्स्ट बॉल संकल्प नागावकर, चांगला स्ट्रोक उचलला हवेत असेल। चेंडूच्या खाली माधव निगुडकर करणार नाही चुका। झटका क्रमांक 5 स्वराज प्रतिष्ठान। परेश बालदारची पारी चांत होते। कम ऑन डीजे। आयुष्य खूप छान आहे पण लहान आहे, रडतोस काय वेड्या, लढण्यात शान आहे। काटांती फुलांती झुलती कमान आहे, उचलून घ्यावी ती ही दुनिया दुकान आहे। जगण्याचा निर्धक म्हणतो ना तो येथे बेईमान आहे, कारण सुखासाठी कधी हसावं तर कधी रडावं लागतं आणि चांगला धबधबा बनायला पाण्यालाही उंचावून पडावं लागतं। हेच काही सूत्र आहे क्रिकेट तुम्हा आम्हाला काय शिकवून जात। हे जिंदगी तू मुझे उठना सिखा दे, मुझे हालातों से तू मुझे लढना सिखा दे, हर हाल में खुश रहना सिखा दे और हर हाल में तू मुझे जीतना सिखा दे। अगदी टेनिस बॉल क्रिकेटच्या मैदानावरती जिंकण्याची प्रेरणा ही नक्कीच मिळत असते। एव्हरी सेकंड चांगला स्ट्रोक लागवण्याचा प्रयत्न होता। मोहनचा न्यू बॅटर इन झालाय। यंग जनरेशन तुम्ही देखील पाहता। धीरज दिघीकरांच्या कडून खुश खबर असेल, 100 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल। मोहन खेलोजीला आपण जर षटकार ठोकला तर तब्बल 100 रुपयाचा कॅश प्राइज आणि आजसाठी तर ओळखलं जातं। ही स्पर्धा ज्यांच्यासाठी खेळवली जाते ती स्पर्धा पाहताय। जबरदस्त गोलंदाजी संकल्प नागावकरची तुम्ही देखील पाहताय। 2 धाव फक्त अतिरिक्त गेले, त्यानंतर सगळे चेंडू निर्धाव टाकण्याचा विश्वविक्रम केला याच स्पर्धेमध्ये। जबरदस्त मॅच एन्जॉयमेंट करता, अजूनही सामना रंगतदार। येणारा शेवटचा चेंडू, 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 6 धावा। कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा एक नियम। जबरदस्त मॅच, हाय व्होल्टेज मुकाबला। न्यू बॅटर इन झालाय, यंग जनरेशन तुम्ही देखील पाहताय। मोहन खेलोजी त्याच्या सोबतीने ऑन स्ट्राइक ला। रोशन अंबाजी महेश गोवारी यांच्याकडून तब्बल 100 रुपयाचं कॅश प्राइज। एक षटकार ठोकला तर 200 रुपयाचं कॅश प्राइज। ऑनलाईन ऑन स्ट्राइक ला आहे मोहन खेलोजी। त्याच्या मधून जर बॅट मधून षटकार आला तर 300 रुपयाचं कॅश प्राइज इथं कॉम्बॉक्स मध्ये दिली जाईल। 6 चेंडू जिंकण्यासाठी न्यू बॉलर इन झालाय। षटक क्रमांक 6 हाताळण्यासाठी अविनाश चव्हाण राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी करतोय। नेक्स्ट बॉल चांगला स्ट्रोक उचलला हवेत असेल चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षण करेल चुकी। यावेळी एक धाव कन्वर्ट केली, चांगली रनिंग भेटली विकेट। जबरदस्त मॅच पाहायला मिळेल। खराब शू क्षेत्ररक्षण
जबरदस्त मैच एंजॉयमेंट करता है स्वराज प्रतिष्ठा लेके तर्फे डीजे 11 फाइटिंग करता 68 धावांत पटला करता समीकरण येऊन पोहोचले स्कोर कार्ड वरती पांच चेंडू जिंकण्यासाठी चार धावा कंपल्सरी चेसिंग जबरदस्त मैच आजच्या दिवसातील हाय वोल्टेज मुकाबला एकतर्फ पाहिले करता धनंजय गोवारीचा संघ टीम कैप्टन मधुकर खोपटकर फाइटिंग करते गोवर्धन चिकाटी स्वराज प्रतिष्ठान परेश दिगीकर संघाला फाइटिंग करेल पांच चेंडू जिंकण्यासाठी चार धावा अजूनही मैच जीवंत आहे हाई वोल्टेज मुकाबला रोशन अंबाजी पीच पर आहे विकेट वरती आहे अजूनही 68 धावांचा पटला करताना थोडस हावी झाला होता मधुकर खोपटकर गोलंदाजी वर परंतु कमबॅक करणारा तुम्ही पाहताय डीजी 11 टीम यासाठी ओळखली जाते यावेळी चांगला स्ट्रोक सिलेक्शन खराब सो स्ट्रोक सिलेक्शन जेल टिपला आहे रोशन अंबाजीचा पारीचा अंत होतोय पुन्हा एकदा झटका क्रमांक पाचवा स्वराज्य प्रतिष्ठान टीमला कम ऑन डीजे जबरदस्त गोलंदाजी हो यावेळी चांगली गोलंदाजी अकुट टप्प्याची गोलंदाजी स्विंग मिस टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये विसरवला जातोय चेंडू योगेश मोलनाकला बांधून ठेवला जबरदस्त मॅच जिंकण्यासाठी तीन चेंडू जिंकण्यासाठी चार धावा कंपल्सरी चेसिंग जबरदस्त मॅच अविनाश चव्हाण हावी पडलाय गोलंदाजीवर एकदा जोरदार टाले मॅच साठी पुन्हा एकदा हवेत असेल चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षण तैनात संकल्प नागावकर दोन धावा कन्वर्ट केले दोन धावा एक वटला चांगली रनिंग भेटून द विकेट जोपर्यंत अवधी मिळेल चेंडू फेकण्याची तोपर्यंत धावा कन्वर्ट केला ऑन स्कोर बोर्ड वरते 66 धावा दोन चेंडू जिंकण्यासाठी दोन धावा कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा आजचा एक हाय वोल्टेज मुकाबला 68 धावांचा पटला करताना पाच गडीच्या मोबदल्यावरती स्वराज्य प्रतिष्ठान 70 धावा कुठल्या होत्या पण कुठेतरी पॅनल्टीचा आव्हान असेल डीजी 11 टीम्सला दोन धावा मायनस केल्या जातील प्लस केल्या जातील स्वराज्य टीमच्या अकाउंट मध्ये दोन धावामध्ये धावा खर्च करायचे दोन अविनाश चव्हाणी जर मॅच विन करून दिली तर शेखर हंडे यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयाचा कॅश प्राइज कॅश प्राइजचा भरीमार या कॉम्बॉक्स मध्ये येतोय एक्स बॉल योगेश मोलनाकच्या बॅट मधून हॅवी झालाय खराब क्षेत्र लक्षण जाईल चेंडू बॉडी लाईनच्या पलीकडे जाईल चेंडू सीमा रेषा पार मॅच जिंकलाय स्वराज प्रतिष्ठान योगेश मोलनाकच्या बॅट मधून हा येईल विनायक चौकार आणि स्वराज प्रतिष्ठान मॅच विन झालाय खराब क्षेत्र रक्षण डीजे 11 68 धावांचं समीकरण होतं तुमच्या समोर दोन चेंडू दोन धावा जिंकण्यासाठी अप्रतिम मॅच हाय वोल्टेज मुकाबला एकतर्फे झालेली मॅच एकतर्फे जिंकून दिली योगेश मोलनाकनं दोन धावा पाहिजे होत्या एक विजय चौकार टोकला मॅच जिंकले स्वराज प्रतिष्ठान सुपर 8 मध्ये दाखल झालाय स्वराज प्रतिष्ठान मॅन ऑफ द मॅच असेल या मॅचचा ज्याने गोलंदाजीवरती एक विकेट गारद केला आणि तब्बल 13 बॉल मध्ये 40 धावा चार षटकार आणि एक चौकार नो डाऊट सर्वांचा प्रेरणास्थान आणि सर्वांचे आवडते सर लक्ष्मण मेंदाडकर झालाय मॅन ऑफ द मॅच तर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल आमच्या सर्वांनी आदरणीय आमच्या मंडळाचे प्रेरणास्थान महादेवजी गोया बेडेकर यांच्या शुभ हस्ते जायचं टॉस बॉक्स मध्ये आपले शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच
तर सर माइंड कूल एसआर फैमिली सर रामचंद्र दिगीकर यांचा देखील पुन्हा एकदा सरचे स्वागत या मॅचच्या स्पर्धेच्या वतीने स्थानापन्न झालेत कॉम बॉक्स मध्ये आमच्या समोर जुळतील संपूर्ण दिवसामध्ये लाइव टेलिकास्ट जाऊ मॅन ऑफ द मॅच कडे लक्ष्मण खेलोजी सर असतील टॉस बॉक्स मध्ये मॅन ऑफ द मॅच दिली जाईल स्वराज्य प्रतिष्ठान ने मैच जिंकला मैन ऑफ द मैच पुरस्कार लक्ष्मण मेंदाटकर सर नावावरती हवे झाला आहे तब्बल 13 बॉल मध्य 40 धावा कुठला एक गाडी गारद केला चार षटकार आणि एक चौकार ठोकून यानंतर होणार मैच डीजी 11 त्याच्या सोबतीने फाइटिंग करेल पेट 11 स्टार या दिवसातील शेवटचा सामना असेल जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये लक्ष्मण मेंदाटकर लक्ष्मण खेलोजी सर धन्यवाद परेश सर तर विनंती असेल लक्ष्मण मेंदाटकर सरांना की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आणि आपले मॅन ऑफ द मॅचचा अवार्ड घेऊन जायचं आहे लक्ष्मण मेंदाटकर आपणास विनंती असेल